मैं देश के भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आज देश किस दौर से गुजर रहा है। पहली बार देश में जो अर्थव्यवस्था है इतनी बुरी तरह गिरी है। देश में रिजर्व बैंक के पास जो रिजर्व फंड पड़े हुए थे उन पैसों को सरकार ने उठा लिया, ले गई। आज हजारों उद्योग जो हैं वो सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद हो गए। करोड़ों नौजवान उद्योग बंद होने से बेरोजगार हो गए। देश में गलत तरीके से जीएसटी जल्दबाजी में लागू करने से मध्यम व्यापारी जो है और छोटे तबके का जो व्यापारी है वो खत्म हो गया। देश में नोटबंदी करने से देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह उसका बंडाधार हो गया। आज देश में जो जीडीपी है उसमें इतनी गिरावट आई है कि 5% से नीचे गिर गई है। देश का जो रुपया है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरीके से गिरा है, आज डॉलर कहाँ पहुंच गया है, और आपका जो टका है, टके को कहते थे सबसे कम वैल्यू की हम आंकते थे, मजाक करते थे, आज उस टके की जो वैल्यू है वो देश के रुपये से ज़्यादा हो गई है। तो आज हम देश को अगर इस दिशा में लेके जा रहे हैं, लोगों को धर्मों में, मजहबों में और जातियों में बांटकर और देश के लोगों को आपस में लड़ाकर देश को